अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही इजी तरीके के साथ बहुत ही टेस्टी बिरयानी, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 ग्लास के जितना पानी है कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि चावल हमने बॉयल करने हैं तो खुले बर्तन में और खुले पानी में हमने इसको बॉयल करना है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, 2 ये बादियान के मैं फूल डाल दूँगी ताकि इनकी भी अच्छी सी जो खुशबू है वो बिरयानी के अंदर से आए, और 1 तेज़पत्ता डाल दूँगी। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी ताकि जो चावल हैं वो हमारे चिपके नहीं, एक बहुत अहम टिप है। अभी इसमें हल्का सा बॉयल आता है तो मैं चावल डाल दूँगी। चावल तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो के एक साइड पर रखे हुए हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। चावल तकरीबन 2 कप के जितने हमारे चावल थे ये इसमें चले जाएंगे। एक दफ़ा इसको हला लेना अच्छी तरह, और चावलों को हमने 80% के करीब कुक करना है, 100% नहीं करना क्योंकि हम इसको दम में भी गलाएंगे। तो अभी ये पानी के बॉयल होने का मैं वेट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो हमारे चावल हैं तकरीबन 80% के करीब कुक हो गए हैं। अब इसका मैं पानी ड्रेन करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये कुकिंग ऑयल है ये इसमें चला जाएगा, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब चिकन, ये इसके अंदर चला जाएगा। चिकन को भी तकरीबन 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और यहाँ पे चिकन के साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर तक नमकीन हो जाए। इसको मैं फ्राई करती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब 1 पाव के जितने इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी जो बिल्कुल बारीक मैंने काटे हुए थे। और इसके साथ ही मैं 1 पैकेट शान बिरयानी का डाल दूंगी इसके अंदर, और यहाँ पे 1 पैकेट इसके अंदर ये शान बिरयानी का चला जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखें जी, 15-20 दाने मेरे पास इमली के हैं, ये इसमें चले जाएंगे। इससे बहुत मज़े की खटास हमारी बिरयानी में आएगी, जैसे कि हम बाज़ार से लेकर बिरयानी खाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे चिकन को और मसालों को भूनते वक्त सबसे जो अहम बात हमेशा की तरह एक ही है कि आपने मेरी रेसिपीज बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह वो मेरी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहेंगे। और यहाँ पे देखें जी, चिकन को और सारे मसालों को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट पे आके तकरीबन 2 प्याली के जितना इसमें मैं दही डाल दूँगी, क्योंकि बिरयानी में जितना टमाटर और जितना दही हो उतनी ये मज़े की बनती है। मिक्स कर लेना है इसको। और अब यहाँ पे देखें जी, दही डालने के बाद इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए, इसमें से मैं 1/2 मसाला और चिकन बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि हम बनाने लगे हैं तवे वाली बिरयानी तो इसमें से मैं 1/2 निकाल लूँगी। और मैंने 1/2 मसाला और चिकन निकाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी। और यहाँ पे देखें जी, 1 तह मैंने चावलों की बिछा दी है, उसके ऊपर ये चिकन और मसाला मैं डाल दूँगी फिर से। और इसके साथ ही ये जो बाकी के चावल थे ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसको फैला लेना अच्छी तरह। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया, और 1 ही टेबलस्पून के करीब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर पुदीना। पुदीने की जो खुशबू है वो बिरयानी के अंदर बहुत मज़े की आती है। और तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप मैंने ऑरेंज फूड कलर के ले लिए थे, ये एक साइड पे डाल देंगे। और इसी तरह 4 से 5 ड्रॉप जो हैं मैंने ले लिए थे येलो फूड कलर के, वो इस साइड पर डाल देंगे।
हल्का सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी ताकि बिरयानी हमारी ऊपर से ड्राई ना हो। और यहाँ पे देखें जी, मैं बिरयानी को दम दे दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बिल्कुल मैंने दम वाली आग कर ली है, तो मैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, बिरयानी को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ और इसको ऐसे हिला देते हैं और मज़ेदार सी हमारी देखें बिरयानी बन के तैयार हो गई है। बाज़ार से कहीं टेस्टी ये बनती है, घर में बनाएं। और इसको मैं करती हूँ डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है, बाज़ार से कहीं ये टेस्टी बनी। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।